अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एसर महमूद एंड वेलकम टू साइंस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिफॉल्ट ऐप्स क्या होती हैं और आप विंडोज मशीन में सॉफ्टवेयर्स को एज अ डिफॉल्ट ऐप कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप विंडो का बटन दबाएं और डिफॉल्ट टाइप करें। जैसे ही आप डिफॉल्ट टाइप करेंगे तो आपके सामने ये सेटिंग आ जाएगी, डिफॉल्ट एप्स सिस्टम सेटिंग। यहाँ पे बेसिकली ये कुछ टाइप मेंशन है जिनके अगेंस्ट डिफॉल्ट ऐप सिलेक्टेड हैं। जैसे ईमेल के लिए कि अगर कहीं ईमेल पे क्लिक किया जाता है तो कौन सी ऐप उसके लिए ओपन होनी चाहिए, आप इसको किसी ब्राउजर पे रख दें, अदरवाइज अगर आपके पास आउटलुक इंस्टॉल है तो उसको कर लें। मैप्स बेसिकली ये एक ऐप है, विंडोज के स्टोर से ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है। मीडिया प्लेयर बेसिकली म्यूजिक प्लेयर। अब म्यूजिक प्लेयर ये विंडोज का डिफॉल्ट म्यूजिक प्लेयर है। अगर आपने वीएलसी प्लेयर या के लीडर या दूसरे मीडिया प्लेयर्स हैं उनको यूज किया हुआ है और आप चाहते हैं कि जो आपकी म्यूजिक की फाइल है वो उस प्लेयर में ओपन हो, तो आप इस सेटिंग में यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे, इस म्यूजिक प्लेयर के नीचे जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से जिस भी सॉफ्टवेयर को आप चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे वीएलसी को सिलेक्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर का जो करंट डिफॉल्ट ऐप है वो वीएलसी मीडिया प्लेयर सेट होगी। इसी तरह फोटो व्यूअर, वीडियो प्लेयर, ये भी विंडोज की डिफॉल्ट ऐप है, मैं इस पे भी क्लिक करूंगा, इसको भी वीएलसी पे सेट कर दूंगा। वीडियो प्लेयर भी वीएलसी पे सेट हो गया और इसी तरह मैं वेब ब्राउजर को भी किसी और सॉफ्टवेयर पे सेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली सिर्फ कुछ डिफॉल्ट ऑप्शंस हैं कि वेब ब्राउजर, वीडियो प्लेयर, फोटो और म्यूजिक प्लेयर ईटीसी। टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिफॉल्ट एप्स यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा और बहुत ज्यादा फाइल्स होती हैं, जैसे अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स, एचटीएमएल, सीएसएस और भी बहुत ज्यादा फाइल होती हैं। तो उन फाइल्स की फिर हम टाइप के लिहाज से डिफॉल्ट ऐप सेट कर सकते हैं। चूज डिफॉल्ट ऐप बाई फाइल टाइप, इस पे आप क्लिक करेंगे। ये जो मेथड है ये जरा थोड़ा सा लॉन्ग वे है, मीन के ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो इस वजह से इसकी बजाय हम दूसरे मेथड पे जाएंगे। इसको मैं अभी क्लोज कर दूंगा। मेन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो 6 मेथड्स डिफाइन है वो डिफॉल्ट एप्स को आप इस सेटिंग्स के थ्रू सेट कर लें। और इसमें से मेनली जो मैं ज्यादातर सिर्फ यूज करता हूँ वो म्यूजिक प्लेयर, वीडियो प्लेयर और वेब ब्राउजर, दैट्स इट। उसके अलावा बाकी डिफॉल्ट ही रहते हैं मेनली। उसके बाद जो फाइल टाइप के साथ डिफॉल्ट ऐप को सेट करना है उसका तरीका का ये है कि आप कोई भी एक फाइल सर्च कर लें, जैसे कि मैं यहाँ पे एक डेमो फाइल बना लेता हूँ, डेमो ts फाइल, और इसकी एक्सटेंशन को .ts कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज किया है फाइल्स के आइकन को लार्ज सेट करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट 2। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये .ts की फाइल जो कि टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है उसको वीएलसी मीडिया प्लेयर उसका डिफॉल्ट ऐप सेट कर दी। जो डेवलपर्स हैं उनको पता है कि जो ts की फाइल होती है वो कोड एडिटर्स में या नोट पैड में ओपन की जाती है। अगर आपके पास कोई कोड एडिटर इंस्टॉल्ड है तो आप उसको इसकी डिफॉल्ट ऐप पे सेट कर दें। मेरे पास अभी कोई कोड एडिटर इस फ्रेशली अकाउंट में इंस्टॉल नहीं है तो मैं इसकी डिफॉल्ट ओपनिंग सॉफ्टवेयर को चेंज करके नोटपैड कर दूंगा। राइट क्लिक करें आप इस पे और ओपन विद शोज एन अदर ऐप और यहां से मोर एप्स। जैसे ही आप वीएस कोड या सबलाइम टेक्स्ट या कोई और कोड एडिटर इंस्टॉल कर लेंगे तो वो भी इस लिस्ट में शो होने लग पड़ेगा। मैं यहाँ से अभी नोटपैड को क्लिक करके एंड ऑलवेज यूज दिस ऐप टू ओपन .ts फाइल, ये बेसिकली .ts एक्सटेंशन की फाइल्स की डिफॉल्ट जो ओपनिंग सॉफ्टवेयर है उसको चेंज करके नोटपैड पे सेट कर देगा। ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसका आइकॉन चेंज हो चुका है। पहले वो ओपन होना था वीएलसी मीडिया प्लेयर में, अब मैं जब इस पे डबल क्लिक करके ओपन किया करूंगा तो ये नोटपैड में ओपन हो जाएगा। ओके, ये एक आसान तरीका है स्पेसिफिक टाइप्स की फाइल की जो डिफॉल्ट ऐप है उसको सेट करने का। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.